मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कोविड-19 के चलते अस्पताल में अस्थायी पद पर कार्यरत स्टाफ कर्मियों को हटाने के बाद जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आई है। यहां मौजूद अस्पताल प्रबंधन की कमर टूटी पड़ी है। साथ ही ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्सेज ने जिला मुख्यालय पहुंचकर चरमराई हुई स्वास्थ्य समस्या से मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया है। तो पहले तो मुझे तो मालूम था कि 6-7-8 हम लोग सिस्टर दे चुके थे, आप आ जाएंगे, नहीं आए तो अब करने व्यवस्था ही करने हैं। अभी रात को मुझे बता देते या सुबह और जल्दी बताते तो मैं फोन करके अभी तक खुलवा लेते। हो गए आपके RMO आ गए हैं, बात करते ठीक है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नर्स कर्मचारियों ने बताया कि अस्थायी स्टाफ को हटाने के बाद जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई है। वहीं अस्पताल में स्टाफ नर्स की कमी का हवाला देते हुए कहा कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और उचित मात्रा में स्टाफ नर्स मुहैया कराए जाएं। पेशेंट जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, पेशेंट सफ़र भी कर रहे हैं, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं स्टाफ के साथ में। बहुत कम स्टाफ है, हर एक शिफ्ट में एक एक नर्सेज का काम कर रही है और बहुत मुश्किल का सामना होना करना पड़ रहा है। जबकि ICU जैसी सुविधा अपन ने उपलब्ध करा दी है जिला चिकित्सालय में और उसके ऊपर एक मात्र सिस्टर है जो काम कर रही है, जो मरीज है वो सफ़र कर रहे हैं। हाँ, जितने कर्मचारी जो अस्थायी नियुक्तियाँ की गई थी उन सबको निकाल दिया गया है और जो जिनको नियुक्त किया गया था वो भी वापस हड़ताल पे चले गए हैं। इस वजह से जो पूरा जो भार है, कार्य भार, वो जिला चिकित्सालय की नर्सों पे आ गया है। इस वजह से जिला चिकित्सालय में तो वैसे ही कर्मचारी कम थे और पूरा ये जो 3-4 सेक्शन जो ICU का कोविड बना दिया गया है, DCHC डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया था और आइसोलेशन वार्ड जिसमें अपन ने कोविड वार्ड के पेशेंट को आइसोलेट रखा था जो कि सस्पेक्टेड है, तो ये पूरा भार जो है वो स्थायी कर्मचारियों पे आ गया, एक सिस्टर के ऊपर आ गया है। अभी तक तो समस्या हल करने के लिए मैडम ने आज बता दिया है। अब आज जैसे आज शनिवार है, आज नर्सिंग शिफ्टिंग डे भी है, कल संडे है, कल बहुत सी सिस्टरों का ऑफ भी रहेगा, इस वजह से कल और ज़्यादा अव्यवस्था हो सकती है। आज अगर यदि तत्काल व्यवस्था नहीं होती है तो कल और अव्यवस्था हो सकती है। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।